कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर या फिर खतरनाक हो, एक ना एक दिन वो सलाखों के पीछे होता ही है, क्योंकि पाप का जब घड़ा भर जाए तो फिर वो टूटता भी जरूर है। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, अपराधियों के लिए योगी का काल सर्वनाश काल बन गया है और वे सलाखों के पीछे जेल की रोटी तोड़ने को मजबूर हैं। यूपी में अपराधियों और भूमाफियाओं की बात जब भी होती है तो कई नाम सामने आते हैं, जिसमें एक नाम मुख्तार अंसारी का है। फिलहाल तो मुख्तार अंसारी जेल में जिंदगी की दुआ मांग रहा है, क्योंकि योगी का डंडा अंसारी के पूरे खानदान, रिश्तेदार, संबंधी सभी पर चल रहा है और सभी पानी पी पी कर योगी के पुलिस से पनाह मांग रहे हैं। हालांकि अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी एक बड़ी मछली की तरह है, जिसने अपने ऊपर लगे सभी अपराधों को साम दाम दंड की ताकत लगाकर उसे भेदने की कोशिश की है और कई मामलों में कामयाब भी हुआ है। लेकिन योगी की सरकार में अंसारी के सारे पैंतरे नाकाम ही साबित हुए हैं। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी की ताकत की पूर्वांचल में तूती बोलती थी। योगी सरकार के सत्ता में आने के पहले सरकार चाहे सपा की हो या बसपा की, हर सरकार में मुख्तार का जलवा रहा। अपराधों को ढकने के लिए मुख्तार 1995 में राजनीति की जमीन पर उतरा। 1996 में पहली बार बसपा के टिकट पर मऊ सदर विधानसभा का चुनाव जीता। 2002 और 2007 में निर्दलीय जीतकर सियासी दलों को अपनी ताकत का एहसास कराया। इस दौरान मुख्तार मुलायम सरकार के करीबी हो गया, लेकिन 2007 में मायावती के सत्ता में आते ही वह फिर बसपा में शामिल हो गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्तार को मुरली मनोहर जोशी के मुकाबले में वाराणसी में उतारा। यहां तक कि कभी किसी की तारीफ नहीं करने वाली मायावती ने एक जनसभा में मुख्तार को रॉबिन हुड बताया तो राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। 2010 में मायावती ने अंसारी बंधुओं को फिर से किनारा कर दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार ने कौमी एकता दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और मऊ सदर सीट से चुनाव जीता। उसके बाद 2016 में सपा में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को शामिल करने को लेकर यादव परिवार में विवाद हो गया। चाचा भतीजे की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। ऐसे में 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती को फिर मुख्तार की याद आ गई। मायावती ने मुख्तार पर कोर्ट में आरोप सिद्ध न होने का हवाला देकर कौमी एकता दल का बसपा में विलय कर लिया। बसपा उम्मीदवार के रूप में मुख्तार ने पांचवी बार मऊ सदर सीट से जीत हासिल की। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ने फिर उससे किनारा कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। योगी ने जैसे ही सत्ता संभाली उसके बाद से ही अंसारी के अपराधों का सारा कच्चा चिट्ठा निकलवाना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि अंसारी पूरी ताकत के बाद भी जेल में सड़ रहा है और योगी के पुलिस को उनको इतना खौफ है कि अपनी जान को खतरा भी बता चुका है। मुख्तार अंसारी की 527 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर सरकार शिकंजा कस चुकी है। इसमें सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया और उसके करीबियों की 246 करोड़ 65 लाख 90 हजार 939 रुपए की संपत्तियां जब्त की है, जबकि उसके अवैध कब्जे से करीब 281 करोड़ की संपत्तियां या तो मुक्त कराई गई हैं या ध्वस्त कर दी गई हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामलों की सूची देखे तो ये काफी लंबी है। पूरे देश में मुख्तार पर कुल 59 मामले दर्ज हैं, इसमें से 20 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। गैंग का ठेका, टेंडर और अवैध व्यवसाय पर शिकंजा कसकर मुख्तार अंसारी को सरकार ने 212 करोड़ की चोट पहुंचाई है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी के ऊपर योगी का कैसा डंडा चला है जो कभी ये भूल नहीं सकेंगे। इसके अलावा राज्य के दूसरे अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे।